जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम का वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने का सपना फिर से चूर चूर हो गया है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल मैच में 200 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस फाइनल मुकाबले को जीतकर जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से मालामाल हो गई है, तो वहीं टीम इंडिया भी इस फाइनल मुकाबले को हारने पर मालामाल हो गई है। तो दोस्तों बताएंगे आपको कि आखिरकार टीम इंडिया इस फाइनल मुकाबले में हारने पर पैसे कैसे कमाएगी और कितनी धनराशि हमारी भारतीय टीम को मिलेगी, तो बने रहिएगा दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको क्या लगता है कि किस वजह से हमारी भारतीय टीम WTC का फाइनल मुकाबला हारी है, कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि जिस बात का डर था वही हुआ, भारतीय टीम एक बार फिर ICC टूर्नामेंट जीतने के करीब पहुंची और हार गई। टीम इंडिया के फैंस का दिल 10 साल में 9वीं बार टूटा है। भारत पिछली बार 2013 के बाद कोई भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाया है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया था। उसके बाद से 9 ICC इवेंट में हमारी भारतीय टीम को सिर्फ शर्मनाक हार का सामना ही करना पड़ा है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि हमारी भारतीय टीम को 4 बार फाइनल में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में जब हमारी भारतीय टीम पहुंची थी, तो इस बार खिताब की उम्मीद पहले से ज्यादा थी, क्योंकि भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती थी, जिसे टीम इंडिया ने इसी साल फरवरी मार्च में अपने घरेलू मैदान पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। ऐसे में लग रहा था कि भारतीय धुरंधर इस बार ICC ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लेंगे, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी लंदन की ओवल के मैदान पर कंगारू टीम के सामने पूरी तरह से पानी मांगते हुए नजर आ रहे थे। और आखिरकार हमारी भारतीय टीम को इस फाइनल मुकाबले में 200 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इस फाइनल मुकाबले में जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए 469 रन बनाए। फिर इसके जवाब में भारत की पहली पारी 296 रन पर सिमट गई। ऐसे में दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को जब 173 रन की लीड मिली थी, तब मैच के चौथे दिन शनिवार 10 जून को दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 270 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस तरह भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 444 रन का लक्ष्य दिया। और फिर इसके जवाब में हमारी भारतीय टीम दूसरी पारी में केवल 234 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन से इस मैच में अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस IPL में खतरनाक और तूफानी बल्लेबाजी करने वाले टीम इंडिया के खिलाड़ी इस फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे बल्लेबाजी करी जैसे कि हमारी टीम इंडिया गली क्रिकेट खेल रही हो। दोस्तों मुकाबला टक्कर का ही देखने को नहीं मिला, शुरुआत से ही सिर्फ कंगारू टीम का ही दबदबा देखने को मिल रहा था। इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बेहद ही शर्मनाक प्रदर्शन किया, खासकर की ऊपर के 4 बल्लेबाजों ने तो पूरी तरीके से टीम इंडिया की नाक ही कटा दी। शुरुआती 4 में से किसी बल्लेबाज ने दोनों मैचों में अर्धशतक तक नहीं लगाया, इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक फेल है, यहाँ तक कि टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा का बल्ला भी खामोश रहा। भारतीय क्रिकेट के नए प्लेयर सुमन गिल ने भी टीम को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार टीम इंडिया को इस फाइनल मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना ही पड़ा। वही दोस्तों आपको बता दें कि इस फाइनल मुकाबले को जीतने के बाद कंगारू टीम काफी खुश है और उन्हें इस फाइनल मुकाबले की ट्रॉफी जीतने के साथ ही अब इनामी राशि के तौर पर कंगारू टीम को सबसे ज्यादा 16 करोड़ रुपए मिले हैं। वही दोस्तों अगर हम हमारी भारतीय टीम की बात करें, तो इस फाइनल मुकाबले में हारने पर हमारी भारतीय टीम को काफी दुख है कि वे ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी। लेकिन दोस्तों फिर भी हमारी भारतीय टीम मालामाल हो गई है और इनामी राशि के तौर पर हमारी भारतीय टीम को 8 करोड़ रुपए मिले हैं और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से आधी रकम यानी कि 8 करोड़ रुपए हमारी भारतीय टीम को मिले हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इस टेस्ट मैच में सिर्फ 2 टीमों को ही इनाम नहीं मिला बल्कि और भी टीमों को इनाम मिला है जो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा रह चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ICC ने WTC में शामिल टीमों के लिए ICC की ओर से प्राइज मनी पहले ही ऐलान कर दिया था। ICC ने 9 टीमों के बीच 31 करोड़ से अधिक की इनाम राशि बांटी है, जिसमें तीसरे नंबर पर रहने वाली साउथ अफ्रीका को 3.70 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि चौथे नंबर पर इंग्लैंड को 2.89 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि पांचवे नंबर पर श्रीलंका टीम को लगभग 1.65 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा WTC में नंबर 6 पर रही न्यूजीलैंड, नंबर 7 पर रही पाकिस्तान, नंबर 8 पर रही वेस्ट इंडीज और 9वें नंबर पर रही बांग्लादेश को लगभग 42 लाख रुपए मिले हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम की हार के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।